नवादा में भाई ने भाई पर अधिकारियों के साठगांठ से भूअर्जन राशि हड़पने का लगाया आरोप। जिला अधिकारी यशपाल मीना ने नवादा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। चिकित्सा पदाधिकारी एवं डॉक्टरों के साथ बैठक कर अस्पताल व्यवस्था का लिया जानकारी। जिला पदाधिकारी यशपाल मीना की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक किया गया आयोजित। कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन को देखते हुए अंतर्राज्यीय बॉर्डर को किया गया सील। दूसरे प्रदेशों से बगैर परमिशन के बिहार के सीमा में प्रवेश करने पर लगी रोक। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के भेलवाटाड़ गांव में बिहार सरकार के जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। पीजीआरओ अशोक कुमार तिवारी ने एसएफसी गोदाम का किया जांच। 3 दिनों के अंदर सभी पीडीएस डीलरों को बुलाकर खाद्यान्न आपूर्ति कराने का दिया निर्देश। रजौली थाना क्षेत्र के सिरपुल गांव की एक महिला ने छपरा गांव के 3 लड़कों पर छेड़खानी का मामला थाने में कराई दर्ज। रजौली थाने में न्याय की लगाई गुहार। सोमवार की रात रजौली थाना क्षेत्र के सोहदा गांव निवासी पप्पू चौधरी के 22 वर्षीय बेटे जैकी उर्फ बंडा ने अपने घर में फांसी लगाकर किया आत्महत्या। कारणों का खुलासा नहीं। नवादा जिले के काराकुट घाटी में अनियंत्रित टैंक लोरी हुई दुर्घटनाग्रस्त। चालक खलासी बुरी तरह घायल। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल नवादा किया गया रेफर।